हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज एक वीडियो अपलोड किया गया होगा, उसमें अपन बताया थे कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। जैसा पिछला जो नोटिस था उसके हिसाब से आपको बताया गया था, पर क्या है कि आपको बोला भी गया था कि लेट नाइट तक आप अपना रिजल्ट चेक करिएगा। तो अभी लेट नाइट उन्होंने 8 बजे के करीब एक नोटिस डाला है। उस नोटिस में आपकी डेट को फिर से उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसी पिछली डेटें बढ़ाई हैं उसी तरीके से उन्होंने फिर से डेट को बढ़ा दिया है। तो जो नई डेट है आपके रिजल्ट की, वो आपकी 9 अक्टूबर है, ठीक है। 9 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इस रिजल्ट को आप 9 से 14 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और 12 से 16 अक्टूबर को आपको रिपोर्टिंग करनी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि डेट बढ़ गई है, मेरा नुकसान है या फ़ायदा है। देखिए, क्या है कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यही एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद और भी जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर, उनका एक फ़ायदा ये भी है, कुछ बच्चों ने ICR का भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने BHU का भरा होगा, और काफ़ी बच्चे जो है आपका UP कैटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक। इसका रिजल्ट आ गया है, 1-2 दिन में आ भी जाएगा। कुछ एक स्ट्रीम का इन्होंने दे दिया है, बाकी स्ट्रीम का नहीं आया है। ICR का भी रिजल्ट नहीं आया। तो क्या है कि 9 तारीख इन्होंने डेट दी है, 16 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा गया है ICR का या BHU का, ठीक है, तो उनका क्या है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों का ICR एग्ज़ाम निकल जाएगा वो ICR में एडमिशन ले लेंगे, जिनका BHU निकल जाएगा BHU में एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ कुछ एक बच्चे जो है आपके एग्रीकल्चर के शॉर्ट आउट होंगे, ठीक है, जिनका PAG ग्रुप है, वो बच्चे यहाँ कुछ कम हो जाएंगे। कुछ तो जो होंगे जो अच्छे रैंकर्स होंगे, जाहिर सी बात है उनकी अच्छी रैंक इधर भी आने की संभावनाएं होती हैं, सारी की नहीं आती हैं, मगर जिन्होंने फॉर्म भरा है कुछ एक बच्चों के तो आएंगे, तो कुछ एक शॉर्ट आउट PAG ग्रुप के हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अभी आपका जो है नीट का रिजल्ट आना बाकी है। जो PCB ग्रुप के बच्चे हैं जिनकी अच्छी रैंक है, जो वेटनरी BBSC में एडमिशन ले लेते हैं अगर नीट का रिजल्ट नहीं आता, तो अभी क्या है कि आपका डेट बढ़ा हुआ है, तो जिनका नीट में एडमिशन हो जाएगा वो इधर एडमिशन नहीं लेंगे, तो कुछ एक सीटें यहाँ भी उसकी वजह से वैकेंट होंगी, ठीक। अभी क्या है, जैसे आपका UPTU जो आपका इंजीनियरिंग का है, जो PCM वाले बच्चे लेते हैं, अभी इसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट होनी है, आज से स्टार्ट हो गई है। तो जिन बच्चों को जो है यहाँ BTech मिल जाएगा वो एग्रीकल्चर में अपना नहीं लेंगे, या जिनको BTech उधर लेना होगा, एक जगह श्योर हो जाता है तो कोई दूसरी जगह एडमिशन नहीं लेता है। तो एक चीज़ के इससे एक चीज़ का ये फ़ायदा है आपका कि यहाँ जो है जो जो जिनकी रैंकें ज़्यादा थी उनको लग रहा था कि हमको नहीं मिलेगा, यहाँ उन बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। रिजल्ट आएंगे, कई सारे आपकी काउंसलिंग भी बाकी रहेंगी, ये सारी काउंसलिंग भी हो जाएंगी, तो रैंक के हिसाब से बच्चे कुछ ड्रॉप भी करेंगे। जो ड्रॉप करेंगे उनकी जगह पर जो रिप्लेस होंगे, वो जो जिनकी बैड रैंक है, जिनकी ज़्यादा रैंक है, जिनको लगता है कि नहीं मिलेगा, तो उनको भी यहाँ मिलने के चांस होंगे। इसकी वजह से एक ये भी है, चूँकि अभी UP कैटेट का रिजल्ट आया, आप जान ही रहे हैं 1000 रैंक में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट आपका बायो का है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इससे शॉर्ट आउट होगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जिनको वेटनरी लेना था वो वेटनरी लेंगे, जिनका नीट में हो जाएगा नीट चले जाएंगे। आपका उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, BBSC नहीं लेते लोग, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो है इसके बाद भी आप एक काम करिएगा, कई सारे वीडियो में आपको बोला गया है, आप यूपी कैटेट की जो साइट है, ठीक है, upcatet.org, ठीक है, इस साइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए। कोई भी नोटिस होगी, कोई भी सूचना होगी, आपको इस पर मिलेगी। अगर आप नहीं खोज पाते हैं, नेट नहीं चलता है, काफ़ी इंटीरियर से हैं, या आपके पास सिंपल फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हम लोगों को कॉल करके जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी हुई डेटे हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर आपको लगता है कोई समस्या है, जैसे अभी बहुत से लोगों के पास हो सकता था कि पैसे का प्रबंध ना हो, इससे पहले के वीडियो में आपको बताया गया था कहाँ क्या चार्जेस लगेंगे, क्या फीस लगेगी, तो उस चार्जेस को आपको मैनेज करके रखना है। और 12 से 16 में रिपोर्टिंग करनी है, तो उन चार्जेस को यहीं पे 12 से 16 में आपका लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, कई सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी हैं। अगर आपको लगता है अभी भी कोई डाउट है, तो आपका हर वीडियो में नंबर बताया जाता है, आप ये नंबर नोट करके रखिए, आपके काम आएंगे आगे भी। 119-5953-24-8765-8598-48 ये नंबर व्हाट्सअप हैं, आप इन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने सारे डाउट।
क्लियर कर सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ इसी तरह के वीडियो में जुड़े रहिए, जो भी अपडेट या जो भी जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाती रहेगी। आप इस पर जुड़े रहिए, इसी तरीके से आप जो है वीडियो को लाइक करते रहिए। कुछ एक चीज़ें जैसे हमने आपको अभी बताया कि इससे पहले भी एक हमने जो है वीडियो जो है मॉर्निंग में शूट किया था, जिसको हमने नून आफ्टरनून जो है अपलोड किया है। इसके बाद की जो भी प्रोसेस है वो सारी की सारी आपकी उसमें हमने बताई है, उसका लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जा करके या यूट्यूब पर डायरेक्ट जाके आप सर्च करेंगे, वहाँ से आप किसी भी तरीके से वो पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्या चीज़ें लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या आपके पास है, क्या नहीं है, उसकी आप व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, नंबर्स दे रखे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।